बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 के अंदर आज हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड, सो इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ठीक है, और हमने देखा था हाउ डीएनए स्टोर्स प्रोटीन या हाउ डीएनए मेक्स प्रोटीन्स, सही। अब हम इसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस तरह मतलब प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते, मतलब एक्चुअल जेनेटिक कोड है क्या। सो जेनेटिक कोड जो होता है ना ये कोडॉन्स पे मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कोडॉन्स, सही। और जो कोडॉन्स हैं दिस आर सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, तो यानी जेनेटिक कोड इज कंसिस्ट ऑफ कोडॉन्स और कोडॉन्स जो हैं सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, सही, ए टी जी सी ए यू जी, ठीक है जी, सी टी, ठीक है। सो इसमें हमेशा जो मतलब जो कोड्स होंगे लाइक ए टी जी है, सी ए यू है, जी सी टी, सो ये मतलब पहला कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन, ये सेकंड कोडॉन और ये थर्ड कोडॉन, सही। सो मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस है अगर हम उसको थ्री के ग्रुप्स में करें तो वो एक कोडॉन कहलाता है, सही। अच्छा, और कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा, हर कोडॉन जो है वो एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, अमीनो एसिड। फिर अमीनो एसिड के दरमियान लिंकेजेस बनते जाएंगे और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास ये डीएनए। सो डीएनए के अंदर जो ईच अमीनो एसिड है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कोडॉन है, ईच अमीनो एसिड हैव कोडॉन अगेंस्ट प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर प्रोटीन सॉरी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके कोडॉन्स में डिवाइड कर देंगे हम, थ्री का सेट बना देंगे और हर कोडॉन जो सब अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, वाई थ्री न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ थ्री न्यूक्लियोटाइड से क्यों, टू या वन न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं। सो बेसिकली टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं बॉडी के अंदर, मतलब जो हम यूज़ करते हैं जिनकी प्रोटीन्स बने होते हैं, 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, सही। सो अगर हम कहें कि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, तो हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड के हवाले से चार क्लासेस आएंगे, मतलब चार क्यों आएंगे, मतलब एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन और गवानिन, ठीक है। सो चार मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो चार न्यूक्लियोटाइड्स चार अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। मतलब अमीनो ए किसी और को रिप्रेजेंट करेगा, सी डी किसी को, सी। अच्छा, सिंगल डबल करते हैं अगर हम, तो जो पॉसिबल सीक्वेंसेस बन सकते हैं वो हो जाएंगे फोर की पावर टू, सही है। सो ये कितने बनेंगे, 16, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, 16 अमीनो एसिड्स को, सही। तो इसमें फोर अमीनो एसिड्स आ रहे थे, सही, और ये 16 अमीनो एसिड्स कर रहा है। सो अगेन 16 अमीनो एसिड्स के ऊपर हमारे जो 21 अमीनो एसिड्स हैं वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि हमने तो ऐसी कंबिनेशन देखनी है जिसमें 21 हो सके। सो इसलिए हमें तीन न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन बनाना पड़ा। अच्छा, ये दोनों क्रॉस हो गए, मतलब दे आर नॉट सूटेबल। सो तीन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास फोर की पावर थ्री हो जाएगा, जो के मतलब 64 बनता है, सही। मतलब 64 कॉम्बिनेशंस बनती हैं इसकी और उसके अंदर 21 हमारा फिट बैठता है, ठीक है। यानी 21 अमीनो एसिड्स हमारे इसमें पूरे उतरते हैं, तो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास एक कोडॉन, फिर हमने इसको एक कोडॉन कहा, ठीक है। दिस आर नॉट कोडॉन, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड, डबल न्यूक्लियोटाइड नहीं, बल्कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, सही। सो इसकी बेसिक लॉजिक भी समझ आ गई, वाई थ्री और अच्छा, हर कोडॉन जो है वो एक ख़ास अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, सही। हर कोडॉन इसके लिए पूरा एक टेबल है जिसे आप देख के मतलब
आपको आइडिया होगा, मतलब सिर्फ ए ए ए लाइसिन, ए ए सी, ये एस्पराजीन है, सही। अच्छा ये अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं इस बात को, या इसके अलावा अस्पार्टिक एसिड होता है, टायरोसिन है, थियोरिनिन है, प्रोलिन, एलानिन, सेरीना, ठीक है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, सही। सो ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, सॉरी ये सारे कोडॉन्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग कोडॉन होता है, डेट इज़ मिथियोनिन, ठीक है, ए यू यू और ए यू जी, सही। या बाज का सिर्फ ए यू जी ही सिर्फ हम स्टार्टिंग कोडॉन में डालते हैं। कोडॉन्स के भी आगे हम टाइप्स कर देते हैं ना, इसे आप स्टार्टिंग कोडॉन कह देते हो, स्टार्टिंग कोडॉन, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ये स्टार्ट कोडॉन, इस तरह ट्रांसलेशन कहीं पे स्टॉप होती है, ठीक है, वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, ठीक है, उसमें यू ए ए है, ठीक है, वो इन इसमें नहीं मिलेगा आपको, सही, यू ए ए, सही, इसके अलावा यू जी ए, इसके अलावा यू ए जी, ठीक है, यू ए जी, यू ए ए, यू जी ए, और ये तीनों जो से किसी भी, यानी इसके अगेंस्ट नो अमीनो एसिड, नो अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई अमीनो एसिड नहीं है, आप ऊपर टेबल में भी देख सकते हैं, सो दे आर आल्सो नोन एज स्टॉप कोडॉन, क्योंकि ये अमूमन जो जहाँ पे प्रोटीन सेंसेस रुकती है उनके एंड पे पाए जाते हैं, तो दे आल्सो नोन एज स्टॉप कोडॉन, ठीक है, व्हाई दे डोंट हैव रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो अगर शुरू से स्टार्ट लें, मतलब मेंडेलियन वर्क हुआ जिसने पहली दफ़ा जीनोमिक्स की बुनियाद रखी है, जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, ठीक है, कि मतलब उसके बाद फिर डीएनए डिस्कवर हुआ, डीएनए को फिर एसिड हुआ, मतलब एसिड डिस्कवर हुआ, डीएनए को एज ए न्यूक्लिक एसिड माना गया, फिर न्यूक्लिक एसिड के बाद जो डीएनए के मतलब डीएनए के बारे में स्टडी स्टार्ट हो गई, सही, डीएनए का स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, वाटसन क्रिक का मॉडल आ गया, वाटसन क्रिक के मॉडल के बाद फिर उसमें हमने रेप्लिकेशन स्टडी की, ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद हमने देखा कि हाउ डीएनए कोड्स प्रोटीन, से सो ऐसे से मज़ीद एडवांस होते जा रहे हैं। अब हमें पता है कि जी डीएनए के अंदर क्या है, कोडॉन्स हैं, और कोडॉन्स के अगेंस्ट अमीनो एसिड्स जो से हैं वो मतलब रिप्रेजेंट करता है, हर कोडॉन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही। सो इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट का काम है, मतलब ग्रीक साइंटिस्ट था, ठीक है, मार्शल नीरेनबर्ग है, मार्शल नीरेनबर्ग, सही, इसके अलावा फ्लिप लीडर है, ठीक है, और हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, ठीक है। सो हरगोबिंद खुराना और फिलिप लीडर, मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है, ये एन है, और क्रिक, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने मिलके सारे जो कोडॉन्स हैं, मतलब इन्होंने क्या किया, आरएनए डिज़ाइन किए, आरएनए डिज़ाइन आर्टिफिशियल, ठीक है, और उसके अंदर से फिर उन्होंने चेक किया, चेक फॉर अमीनो एसिड्स, ठीक है, उसमें उन्होंने अमीनो एसिड्स को चेक किया फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ कोडॉन्स, ठीक है, इन्होंने कोडॉन्स की कॉम्बिनेशन बनाई जो कि डिज़ाइन आरएनए डिज़ाइन किया था, और फिर उसके अगेंस्ट देखा कौन कौन से अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट कह लें कि
सिक्सटीज के अंदर काम हो रहा था, यानी 1960 के अंदर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, सही। सो टोटल हमारे पास जो तीन के हिसाब से, मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से जो टोटल हमारे पास कम्बिनेशंस बन रही थी वो कितनी बन रही थी, अभी हमने ऊपर पढ़ी है, डेट वॉज 64 कम्बिनेशन बन रही थी, ठीक है। तो उन्होंने 64 कम्बिनेशन सारी स्टडी की, देनी स्टडीड 64 कम्बिनेशन, ठीक है, 64 कम्बिनेशन स्टडी की, उनमें से जो 60 थी, ठीक है, यानी 60 वर कोडेड अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 60 कम्बिनेशन जो सी थी उनके आगे कोई अमाइनो एसिड लगता था, सही। जबकि जो 4 ऐसे हैं, नहीं सॉरी 61, ठीक है 61 कर दें, सो 61 जो सी कोडेड अगेंस्ट अमाइनो एसिड, जबकि 3 जो सी थी वर नॉनसेंस, ठीक है, इन्होंने इसको उन्होंने क्या कर दिया, 3 वर नॉनसेंस, नॉनसेंस से मुराद डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये नॉनसेंस कोडॉन्स हैं, ठीक है, नहीं बदतमीज कह सकते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट कोई अमाइनो एसिड नहीं है जो कि मतलब रीड हो या जो जिसका जो कि मतलब प्रोटीन्स बनने में हेल्प करे, मतलब जो ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड जो मानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते, तो इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं, और इन्हीं को हम स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं, सही, इट इज़ आल्सो नोन एज स्टॉप कोडॉन, सही। और ये नॉनसेंस कोडॉन को मैंने ऊपर मतलब लिखे भी हैं, जिसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, UAA, फिर UAG और UGA, ठीक है, दीज थ्री आर स्टॉप कोडॉन, सो ये है UAG, UAA, UGA, सो ये बकाया जो 61 हैं वो सब कॉम्बिनेशंस बना रही हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा बहुत मजीद फैक्ट्स देखते हैं हम कोडॉन्स के बारे में, कि जो ये जेनेटिक कोड है या कोडॉन्स जिसकी हम बार बार बात करें, जेनेटिक कोड ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से क्या मुराद है, चलें इससे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, मतलब एवोल्यूशनरी या इसे आपके एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स की बात करते हैं, हम एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, एवोल्यूशन का तो आपको आइडिया होगा कि मतलब ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, सॉरी, ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब जो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, ठीक है, मतलब उनकी फिनोटाइप कह लें या जो शक्ल है, मतलब उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, अडाप्टेशंस आती रहती हैं, ठीक। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सब ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, सही, फॉर एग्जाम्पल हम जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन, ठीक है, ये सब हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोक्रियाट हो, यूक्रियाट हो, किसी भी किंगडम से बिलोंग करता हो, सब के अंदर यही नाइट्रोजनस बेसिस हैं। फर्दर मोर जो कोडॉन्स हैं और एंड देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स वो भी सेम है, आर आल्सो सेम, ठीक है। सो इस वजह से हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, के कोडॉन्स जितने भी हैं जिस जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हैं, मतलब प्रोक्रियार्ट्स हों, यूक्रियार्ट्स हों, डीएनए के अंदर जो तीन सेट, तीन न्यूक्लियोटाइड का हम सेट बना रहे हैं कोडॉन्स, उनके अगेंस्ट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में सेम है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस तरह कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जिस मर्जी फॉर्म में हो, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या फिर किसी और मतलब मशीन में, ठीक है, सबके अंदर जो लैंग्वेज बेसिक यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, बाइनरी के अंदर 1010 की शक्ल में, सही। सो इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो एडेनोसिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन और गवानिन, इस तरह इन्हीं की शक्ल में, जिस तरह 10101 है, इस तरह मतलब ATGC की शक्ल में कोडिंग हो रही है, सही। और फिर हर कोड कह लें कि वो सिमिलर है, यानी कोडॉन जो सा जेनेटिक कोड हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर है, मतलब हर एक की अमाइनो एसिड सेम है, ठीक है। हाँ, अलबत्त जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ना,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो कोड है इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए के न्यूक्लियर डीएनए से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कोड डिफरेंट है, सही। सो जो इस तरह हम कह सकते हैं जो जेनेटिक कोड है बेसिकली वो सेम है, यानी ये एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स बता रहा है कि मतलब हमारे काफ़ी जो एवोल्यूशनरी हमारे जो डीएनए दैट बिलोंग टू द सेम एंसेस्टर, ठीक है, हमारे जो डीएनए वो तकरीबन एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करता है। और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हाउ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो यूजीए कोडान है, ठीक है, वो न्यूक्लियर डीएनए के अंदर जो सा है वो स्टॉप कोडान है, ठीक है, स्टॉप कोडान, सही है। और यूजीए को हमने नॉनसेंस कोडान भी कहा था, उनकी कैटेगरीज में आता है स्टॉप कोडान है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सा ये ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ट्रिप्टोफैन जो कि अमीनो एसिड है, सही। इसी तरह ए यू ए है, ठीक है, इसे मिथियोनिन बनता है, ठीक है, जबकि उसमें आइसोल्यूसिन बन रहा है। इसी तरह ए जी ए और ए जी जी टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आर्जिनिन के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि जेनेटिक कोड बिल्कुल भी यूनिवर्सल नहीं है, मतलब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है बट नॉट एब्सोल्यूट यूनिवर्सल, बिकॉज जो ऑर्गेनेल्स का डीएनए वो एक्चुअल डीएनए से मिसमैच हो रहा है, उसका मतलब यह कि कहीं कोडिंग का फ़र्क आया है, सही। और इसकी बेसिक रीज़न ही मालूम कि वाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डू नॉट फिट विद कहेंगे न्यूक्लियर डीएनए, सही। तो ये सारा होगा जेनेटिक कोड। आगे हम ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे और ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली यही जेनेटिक कोड जो कोडांस हैं इनके अगेंस्ट हम अमीनो एसिड्स लगाएंगे, उसका सारा प्रोसीजर होगा और अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी और उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, सही।